आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर का कला शिक्षण आर्ट एजुकेशन परिभ्रमण विधि पर चर्चा करेंगे। परिभ्रमण विधि अर्थात यात्रा विधि। देखिए कौन सी चीज ऐसी होती है जो एक स्थान पर रहकर नहीं सीखा जा सकता, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है वह घर पर ही रहकर सब चीज सीख सकते हैं क्या, सभी चीज को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वह घर पर रहकर सिर्फ घर की जानकारी या घर के व्यक्तियों द्वारा बताई गई जानकारी को ही याद रख सकता है या उसी की जानकारी उसको याद रहे। उसी प्रकार एक बालक को स्कूल में सिखाई गई बातें या बताई गई बातें क्या रहता है, याद रहता है। तो स्कूल में सिखाई गई बातें और बताई गई बातों के आधार पर वह क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। तो उसकी भी सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, जागृत होती है। तो जागृत होने से उसके मन में क्या होता है कि काश उसको उनको देखने से ज्ञात होता या देखने से जानकारी प्राप्त होता तो और अच्छा होता। इस प्रकार तो हम आपको यात्रा विधि या परिभ्रमण विधि पर चर्चा करते हैं। तो यात्रा विधि और परिभ्रमण विधि का शाब्दिक अर्थ है शिक्षण परिभ्रमण अथवा यात्रा विधि का अर्थ। शिक्षण परिभ्रमण विधि अर्थ उस विधि से है जिसके माध्यम से छात्रों को कक्षा तथा स्कूल से बाहर अधिगम के लिए ले जाया जाता है, अर्थात स्कूल से बाहर अधिगम के लिए ले जाया जाना अर्थात सीखने के लिए ले जाया जाना। सीखना और सिखाना अधिगम का क्या अर्थ होता है, सीखना अधिगम अर्थात सीखना। तो स्कूल से बाहर ले जाकर सीखना तो कुछ चीज ऐसे होता है जो स्कूल से बाहर ले जाकर भी सिखाया जा सकता है, जिससे क्या होता है बच्चे में सोचने समझने की क्षमता जागृत होती है। वह विचार करता है कि यह क्या है सही है, देखकर उसको क्या पता चलता है, वास्तविकता का ज्ञान होता है। देखकर क्या होता है, वास्तविकता का ज्ञान होता है। जैसे हमने कहावत में या मुहावरे के थ्रू जानते हैं कि जो कुएं का मेढक होता है वो कुएं तक ही सीमित होता है, ठीक है। उसको जो दुनियादारी पता नहीं होता वो कुएं को ही क्या समझता है, अपना घर अपना देश समझता है। और जब वह कुएं से बाहर निकलता है, कुएं के बाहर की दुनिया को देखता है, तब पता चलता है करीब आपकी दुनिया इतनी बड़ी है। और जब तक वह कुएं में रहता है क्या समझता है कि दुनिया इतनी है, बस यहीं तक है दुनिया और कुछ नहीं आगे। तो जब तक हम बच्चों को भी स्कूल से बाहर ले जाएंगे नहीं, बाहर दुनिया बताएंगे नहीं, वास्तविकता को दिखाएंगे, तब तक वह क्या समझेगा कि बस यहीं तक ही दुनिया है आगे और कुछ नहीं, ठीक। तो परिभ्रमण विधि है यात्रा विधि का शाब्दिक अर्थ यही है कि स्कूल से बाहर ले जाकर सीखना सिखाया जाए, स्कूल से बाहर ले जाकर सिखाया जाना अधिगम कराया जाए, ठीक। तो हमको अर्थ से यही पता चलता है कि जब तक हम स्कूल से बाहर या घर से बाहर या अपने जहां रहने की स्थिति वहां से बाहर जब हम नहीं निकलेंगे तब तक हमको इस देश दुनिया या यहां वहां की बातें जानकारी नहीं होगी। तो बालक को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ कला शिक्षण के साथ साथ यात्रा विधि या परिभ्रमण विधि आवश्यक है, ठीक। तो यह हुआ अर्थ। अब देखते हैं महत्व, कला शिक्षण और परिभ्रमण विधि का क्या महत्व, क्या यात्रा विधि करना चाहिए, बच्चों को यात्रा कराया जाना चाहिए, उसका क्या महत्व, उसके जीवन में क्या महत्व आएगा। जैसे मैंने पहले बताया था एक बालक जो घर में तक ही सीमित रहता है तो उसको घर तक की जानकारी मिलती है, घर के बाद वह स्कूल आता है तो स्कूल तक की बात की जानकारी मिलती है, स्कूल के माध्यम से टीचर के माध्यम से उसको देश दुनिया इधर उधर की बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तो जानकारी प्राप्त होने के बाद उसके मन में क्या होता है कि काश हम इसको देख कर समझते कि वास्तविकता ये है। तो देखते हैं परिभ्रमण विधि का महत्व क्या कहते हैं, ठीक है। तो महत्व देखिए, कक्षा में छात्रों को कला के बारे में सब कुछ नहीं बताया, मैंने पहले ही बताया छात्रों को कक्षा में स्कूलों में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। सब कुछ कक्षा में स्कूलों में बताया जा सकता है क्या, या घर में सब कुछ बताया जा सकता है क्या, नहीं बताया जा सकता। उसको सीखने के लिए बताने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता होती है। जैसे पहले बताया कुएं का मेढक और एक समुद्र का मेढक या बाहर का,
तब तक उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त नहीं हो जा सकती। अब बच्चे को बताया जा रहा है शेर है शेर है, तो बच्चे के मन में आता कि शेर है कहाँ, शेर होता कैसे, तो क्या वो उससे उचित पर्यावरण के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्माण। जब तक वह देखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं जानेंगे नहीं तब तक उसकी दृष्टिकोण उचित दृष्टिकोण या उचित पर्यावरण की जानकारी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उचित पर्यावरण की जानकारी क्या जरूरी है, छात्रों को कला के बारे में उचित पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बाहर ले जाना या यात्रा कराना या परिभ्रमण कराना अति आवश्यक। ठीक, तो यह क्या हो महत्व पर्यावरण फिर महत्व, तो महत्व में देखा गया क्या है, परिभ्रमण विधि का अत्यंत हमारे शिक्षित या जानकारी के परिभ्रमण विधि आवश्यक, यात्रा विधि आवश्यक। फिर देखते हैं लाभ, परिभ्रमण विधि का क्या लाभ है, यात्रा विधि का क्या लाभ, क्या लाभ मिल सकता है हमको स्कूल से बाहर जाने का, घर से बाहर जाने का, देश दुनिया के बारे में जाने से हमको क्या लाभ। तो पहला है वस्तु को प्रत्यक्ष देखने से ज्ञान में वास्तविकता का रूप आ जाता है। मैंने पहले ही बताया वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने से ज्ञान में वास्तविकता का रूप आ जाता है। जो जिस ज्ञान को हमको स्कूल में बताया जा रहा है कक्षा में बताया जा रहा है उसको हम देख ले तो हमको किस चीज का ज्ञान हो जाता है, वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। किसका ज्ञान हो जाता है, वास्तविकता का, देखने से ही वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। ठीक, तो स्कूल से बाहर ले जाना कक्षा से बाहर ले जाने से क्या है, प्रत्यक्ष देखने से ज्ञान में वास्तविकता का रूप आ जाता है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा है छात्र सामाजिक वातावरण के संपर्क में आते हैं। छात्र क्या होता है, बालक जो है स्कूल से कक्षा से बाहर निकलने से घर परिवार से बाहर निकलने से उसको यात्रा कराने से क्या होता है, सामाजिक वातावरण के संपर्क में आ जाता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमारे गांव से बाहर क्या हो रहा है, क्या हमको कर रहे हैं, सामाजिक वातावरण हमारे समाज में क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। उससे क्या होता है, वास्तविकता है, स्कूल में उसको टीचर के माध्यम से बताया जाता है कि हमारे समाज में यह चल रहा है, अभी हमारा भारत देश क्या कर रहा है, विकास की गति कर रहा है, विकासशील देश है हमारा भारत देश, पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, ये क्या किया जाता है, टीचर बताया जाता है। तो जब उसको यात्रा कराया जाता है तब सामाजिक वातावरण की बात आती है कि वाकई में हमारा भारत देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। तो क्या होता है, छात्र सामाजिक वातावरण के संपर्क में आ जाता है, उसको समाज के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है कि समाज में वास्तविकता में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक, यह दूसरा, तीसरा क्या कहते हैं, क्षेत्र परिभ्रमण विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ठोस होता है, हकीकत या वास्तविकता को दर्शाता है, ठोस को दर्शाता है, जिस चीज को हम अगर देखें अर्थ हो गए, अर्थ को निकाल। ठीक, अब रही बात ठोस अर्थात वास्तविकता की, तो हम जिस बुक में से बुक में पढ़ते हैं, मैंने पहले बताया था बुक में पढ़ते हैं हम पर्यावरण के बारे में, कला शिक्षण के बारे में, जो भी बारे में कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। अब बताया जाता है कि हमारे देश में शेर है तो उसका चित्र बना दिया जाता है बुक में, वहीं से देखते तो हमको ठोस जानकारी नहीं मिल पाती जब तक हम उसको देख नहीं पाते। तो तीसरा लाभ यह है बालक के लिए, क्षेत्र पर परिभ्रमण विधि से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ठोस होता है, वास्तविकता होता है, हकीकत होता है, जिससे क्या होता है जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकता पाई जाती है। ठीक, हमको ठोस वास्तविकता जानकारी प्राप्त हो जाता है यात्रा भ्रमण के माध्यम से, परिभ्रमण के माध्यम से। तीसरा लाभ, चौथा लाभ क्या कहते हैं, छात्रों में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। देखिए, मैंने पहले बताया कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, तो देखिए जब तक हम घर में तब तक हम कहाँ तक की जानकारी रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ घर की जानकारी, घर से बाहर जाने के बाद या स्कूल आने के बाद स्कूल तक की जानकारी, स्कूल में टीचर द्वारा बताए गए जानकारी को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, बालक क्या करते हैं उसको ग्रहण करते हैं और वहीं तक वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। लेकिन जब उसको कक्षा से
स्कूल से अगर बाहर ले जाया जाता है, बाहर की दुनिया, बाहर के वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, आसपास के पर्यावरण की जानकारी अगर दिया जाता है तब उसको क्या होता है, पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अब स्कूलों में बच्चों को बताया जा रहा है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, बच्चों को पता ही नहीं कि पेड़ लगाने से लाभ क्या है, तो क्या होगा, उसको पर्यावरण में डालना पड़ेगा। क्या चीज के लिए? पर्यावरण के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करने के, पेड़ लगाने के लिए। जब तक उसके ऊपर रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक वह पेड़ लगा सकता है या नहीं लगा सकता। पेड़ लगाने का लाभ उसको बताएंगे नहीं, उसको दिखाएंगे नहीं वास्तविकता पर्यावरण में है क्या, क्या हमारे पर्यावरण में कितने पेड़ बच गए, पेड़ से हमको क्या लाभ है, और आगे अगर हम पेड़ नहीं लगाते तो हमारे पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी के साथ साथ क्या होगा, पर्यावरण की वास्तविकता को भी दिखाना पड़ेगा। कक्षा में बताया जा सकता है कि पेड़ कटाया जा रहा है, पेड़ कटने से हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है, तो बच्चे को वास्तविकता क्या होगा, जानकारी प्राप्त करेगा, तो वास्तविकता को क्या करना पड़ रहा है, दिखाया जा सकता है। तो वास्तविकता को दिखाने के लिए क्या किया जा रहा है, परिभ्रमण विधि अर्थात यात्रा करना अति आवश्यक। किसकी यात्रा? पर्यावरण की यात्रा। तो यात्रा कभी का रूप है सामाजिक यात्रा। पहला हम क्या करा सकते हैं, सामाजिक यात्रा के अंदर परिभ्रमण को हमको कराना है, तो परिभ्रमण के साथ साथ क्या है, सामाजिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा, कि हमारे देश में क्या राजनीति चल रही है। पहला क्या है, सामाजिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा। तीसरा है आर्थिक यात्रा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारा देश किस प्रकार से गति कर रहे हैं। ठीक, तो हमने देखे सामाजिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा, आर्थिक यात्रा, पर्यावरण यात्रा। पर्यावरण क्या लिखा हमने, पर्यावरण यात्रा अर्थात पर्यावरण में क्या चल रहा है, इस देश दुनिया में क्या हो रहा है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक के साथ साथ पर्यावरण की जानकारी भी आवश्यक माना गया। ठीक, तो पहला पांचों पॉइंट में चल रहे, तो यह कितनी थी, छात्रों में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के, तो इस सब चीज सामाजिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा, आर्थिक यात्रा और पर्यावरण यात्रा से हमको क्या होगा, पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न, बालक की रुचि उत्पन्न है, देखने से ठोस वास्तविकता क्या होगी, जानकारी प्राप्त। ठीक है, इसके बाद कला शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। कला शिक्षण को क्या बनाया जा सकता है, रुचिकर। तो कला शिक्षण को रुचिकर कैसे बनाएंगे, कला के क्षेत्र में हमारे देश दुनिया राज्य में कला का जो स्थान है उसको दिखाना। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, कला के क्षेत्र में जैसे देखेंगे विधानसभा है, और छत्तीसगढ़ विधानसभा के साथ साथ मंत्रालय, पुरखौती मुक्तांगन और अनेक मंदिरों, देवी स्थलों, पर्यटक स्थलों, इस जगह यात्रा कराने से क्या होगा, कला शिक्षण को रुचि उत्पन्न हो, देखने से उसमें क्या है, रुचि उत्पन्न हो। अब बच्चों को अगर विधानसभा का दिखाया जाता है तो बच्चों को क्या होगा, पता चले कि यही हमारा विधानसभा है और यहीं से हमको क्या मिलता है, न्याय, इसकी क्या होगी, उसकी जानकारी भी क्या होगा, कला शिक्षण को रुचि बनाया जा सकता है, उसके रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, छठ पर विधि का कहते हैं, इस विधि से छात्र प्रकृति को यथार्थ से देखते। मैंने पहले बताया कहाँ पर यात्रा कराए, अब अपने राज्य स्तर पर अगर यात्रा कराया जाता है तो राज्य में जो राज्य में जो भी पर्यटक स्थल है, चाहे देवी देवी देवताओं का स्थल, पर्यटक स्थल, ऋषि मुनियों का स्थल, विधानसभा, मंत्रालय आदि स्थानों को उसको दिखाने से क्या होगा, छात्रों को प्रकृति का यथार्थ देखने का जो आनंद अनुभूति है उसको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार से उसको आनंद की प्राप्ति होगी उसको क्या होगा, इच्छा होगी कि नहीं हमको भी इस स्थान पर क्या करना है, आना है, हमको भी क्या करना है, अपना एक स्थायित्व स्थापित करना है, अपना भी एक पद होना चाहिए, उसके मन में क्या होगा, यथार्थ स्थापित होगा, जागृति उत्पन्न होगी, दृढ़ निश्चय लेने का कल्पना शक्ति में उसको क्या होगा, कल्पना शक्ति उत्पन्न होगी। ठीक, तो क्या कहते हैं, इस विधि से छात्र प्रकृति को यथार्थ देखेंगे। ठीक, तो
पर तुलना करने की शक्ति, निरीक्षण अर्थात तुलना करना। तो छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास हो, उसको मन में उत्पन्न हो कि नहीं यह सही है या गलत, उसको सही और गलत की जानकारी प्राप्त होगी और तुलना किया जा सकता है कि यह सही है और यह गलत। ठीक है, तो साथ वाला क्या बोलते हैं, छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास होगा, अपने आप में निरीक्षण करने की आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी, अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएगी। ठीक, फिर लास्ट है भ्रमण से बच्चे में खोज की प्रवृत्ति का, खोज की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या होगा भ्रमण करने से, क्या है भ्रमण करने से बच्चों में जो खोज की प्रवृत्ति है, देखने की प्रवृत्ति नहीं, इसमें ऐसा है तो क्या है, अगर यह डस्टर बना तो कैसे बना, यह चीज अगर है तो कैसे, इसमें क्या होगा देखने की खोजने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। ठीक, तो यह हमारा लाभ है, इसके आधार पर तरी भ्रमण विधि या इसी को हमने क्या कहा, यात्रा परिभ्रमण विधि या यात्रा। तो यात्रा विधि करने से यह हमको लाभ है, वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने से ज्ञान और वास्तविकता का रूप आ जाता है, सामाजिक वातावरण के संपर्क में आते हैं, छात्र क्षेत्र परिभ्रमण विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ठोस होता है, छात्रों में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, कला शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है, साथ ही साथ इस विधि से छात्रों प्रकृति का यथार्थ को देखने के इच्छा जागृत होता है और छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक, और भ्रमण